याद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो सूरह मुल्क पढ़ने का एक वक्त तय कीजिए, ऐसा वक्त जिसमें आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज न चल रही हो। ज्यादातर ऐसा वक्त रात में होता है या सुबह जल्दी का वक्त होता है, फिर भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसा कोई एक वक्त निकाल लें। उस वक्त पर रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत करें और उसकी हर लाइन को धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ें। इंशाल्लाह आपको सूरह मुल्क जल्द ही याद हो जाएगी। इसके अलावा आप दिन में कभी भी सूरह मुल्क को सुना करें, इससे आपको इस सूरह को याद करने में और आसानी हो जाएगी। सूरह मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें इंसानों के लिए एक सबक भी बताए गए हैं। सूरह मुल्क में बताया गया है कि अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है, अल्लाह ने ही इस दुनिया को बनाया है, उसी के सहारे ये दुनिया चल रही है। हवा, पानी, खाना सभी का इंतजाम वही कर रहा है। अगर वो नाराज हो गया तो पल भर में इस दुनिया को तबाह कर सकता है। सूरह मुल्क इंसानों को यह नसीहत देता है कि वह अल्लाह के बताए रास्तों पर चले और गलत कामों से बचे नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुल मिलाकर सूरह मुल्क में ये हिदायत दी गई है कि अल्लाह ही सबका मालिक है, इंसानों को उसके बताए हुक्मों का पालन करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह सब कुछ खत्म कर देगा। सूरह मुल्क में यह भी बताया गया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं और दुनिया में रहते अल्लाह से डरते हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा और अल्लाह पर उनकी रहमत बरसेगी, और जो बुरा काम करेगा उसको सजा भी मिलेगी। अल्लाह सूरह मुल्क में ऐसे लोगों को चेतावनी देता है जो अल्लाह को नहीं मानते और बुतों की पूजा करते हैं, ऐसे लोग भयंकर अजाब का शिकार होंगे। सूरह मुल्क पढ़कर हमें यह अंदाजा तो लग ही जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, इंसान उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह है। अल्लाह चुटकी में इस दुनिया को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। आज हम देखते हैं कि फला जगह पर भूकंप आया तो हजारों लाखों लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं कि पल भर में बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल जाती हैं, लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देते हैं। ऐसी मुसीबत कभी भी कहीं भी आ सकती है, इसलिए हमें अपने गुनाहों से माफी मांगना चाहिए, सिर्फ अल्लाह के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। अगर हम अमीर इंसानों को ही सब कुछ मानने लगेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा और हम उसके अजाब का शिकार कभी भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ अल्लाह की इबादतों पर ध्यान देना चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। दुनियावी जिंदगी ही सब कुछ नहीं है, हमें अपनी आखिरत को भी याद करना चाहिए ताकि हम जहन्नम की अजाबों से बच सके।